प्रश्न संख्या 21 श्री केजी माधव जी, केजी माधव क्वेश्चन नंबर 21 सर। ऑनरेबल मिनिस्टर गिव रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। बोलिए ऑनरेबल मेंबर, होल्डिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड। ऑनरेबल मेंबर प्लीज क्वेश्चन नंबर 21। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। ऑनरेबल मिनिस्टर गेव रिप्लाई टू माई क्वेश्चन दैट द टेनेंट होल्डिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड 17.3% ऑफ द टोटल होल्डिंग्स इन द कंट्री। सर, इन दिस रिगार्ड माई सप्लीमेंटरी क्वेश्चन इज, सर, टेनेंट फार्मर्स आर हाईली वल्नरेबल टू एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस सिंस दे कैन बी एविक्टेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेंट टू द लैंड ओनर्स। वॉट मेजर्स इज द गवर्नमेंट टेकिंग फॉर एनकरेजिंग मोर एंड मोर सच एग्रीकल्चरल टेनेंट्स टू एंटर द इंश्योरेंस नेट अंडर द PMF फसल बीमा योजना। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि फसल बीमा और जो ऐसे फार्मर जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए सरकार की ओर से विशेष ये योजना है कि उसके अंदर भी उसको इस फसल बीमा योजना के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब से सरकार बनी है तब से ये विजन है कि हमारे किसानों को उनको उनकी फसल का अच्छी सीड भी मिले और उन किसानों को फर्टिलाइजर भी मिले, उसके लिए उनको चाहे इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस भी मिले और उन किसानों को लोन भी मिले। इस दृष्टि से चाहे वो टेनेंटेड किसान हो या वो अन्य किसान हो, सभी किसानों के लिए इस योजना के अंदर जोड़ा गया। और विशेषकर जो फसल बीमा की बात की गई है तो इसके अंदर जो ऐसे किसान हैं जो जमीन को जुताई के ऊपर लेते हैं उन किसानों के लिए, जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए फसल बीमा योजना के अंदर ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंदर अगर आते हैं तो उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिलता है। सेकेंड सप्लीमेंटरी। ओके सर, इन द ईयर 2016 दी नीति आयोग केम अप विद एन एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट ऑन ए मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग लॉ। दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग वेरियस रिफॉर्म्स विथ रेस्पेक्ट टू लीगलाइजेशन ऑफ लैंड लीजिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम, रेगुलेशंस ऑन रेंट अमंग अदर्स। वॉट मेजर्स हैज द गवर्नमेंट फॉर implementation of these suggestions? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि 2016 के अंदर भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट लाया था और इस मॉडल एक्ट के अंदर जो टेनेंसी एक्ट था उस एक्ट को सभी राज्यों के अंदर सर्कुलेट किया और राज्यों ने निश्चित रूप से उन सर्कुलेट को किए हुए उनको कुछ राज्यों ने अडॉप्ट भी किया है और कुछ, क्योंकि ये भूमि और जो संबंध है और कृषि का जो है वो राज्य का विषय होता है और इसके लिए उनको कैसे सपोर्ट देना है, उनको कैसे उनको किसानों को सुरक्षा मिले और इसके साथ ही उनके पट्टों को वेद कैसे माना जाए, इस दृष्टि से जो जो मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया है उसके अंदर कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश है उन्होंने अपना एक्ट बनाया है, राजस्थान ने भी अपना एक्ट बनाया है कृषि के लिए और ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी अपना एक्ट बनाया है। तो इस नाते मुझे लगता है कि किसानों को संरक्षण देने के लिए और ऐसे जो किसान हैं जिनके साथ अन्याय होता है उन किसानों को न्याय मिले इसके लिए ये एक्ट है, वो इसका एक बनाकर और मॉडल एक्ट के रूप में राज्य सरकारों को दिया गया।